नमस्कार, आज हम बात करेंगे वाटर मार्किंग की। वाटर मार्किंग मैटलैब में हम किस तरीके से करेंगे, बेसिकली वाटर मार्किंग होती क्या है। वाटर मार्किंग आपके इमेज में, यदि आप कोई चीज एम्बेड करना चाहते हैं, इमेज में इमेज एम्बेड करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन एम्बेड करना चाहते हैं, उसे हम वाटर मार्किंग कहते हैं। यदि आप इमेज भेजना चाहते हैं कहीं पे एज और कोई इन्फॉर्मेशन उसमें एम्बेड करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं, उसे भी हम वाटर मार्किंग का दर्जा दे सकते हैं। या आप अपनी इमेज को अपना बनाना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज फिट करना चाहते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि ये इमेज मेरी है, लेकिन वो इमेज में दिखाई नहीं देगी, आप केवल उसको वाटर मार्क कर रहे हैं, यू आर मार्किंग इट फॉर योर सेल्फ। इसकी बात करेंगे हम वाटर मार्किंग की। हम जो इमेज है जिसपे आज काम करेंगे, ई ड्राइव में एक इमेज मेरी रखी हुई है जो है greens.jpg। greens.jpg में हम अपनी इमेज एक एम्बेड करने की कोशिश करेंगे, वाटर मार्क करने की कोशिश करेंगे, और एक एक कोड पे मैं आपको बताऊंगा हमने क्या क्या किया। तो शुरुआत करें वाटर मार्किंग की। एक स्क्रिप्ट ओपन करते हैं और सबसे पहले इस स्क्रिप्ट में ओपन ही कर लेते हैं, फाइल ओपन, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास वाटर मार्किंग। तो वाटर मार्किंग की शुरुआत करते हैं, एक कमेंट से शुरुआत करें वाटर मार्किंग की। और जैसे कि पहले भी मैंने आग्रह किया कि आप सबसे पहले क्लियर ऑल कर लें, जो भी चीज होगी क्लियर हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप एक लेवल पे काम कर रहे होंगे मैटलैब में, आपने कुछ फंक्शंस पहले भी चलाए होंगे तो क्लैरिटी अच्छी रहती है। आपने क्लोज ऑल कर लीजिए, CLOSE ऑल, नाउ यू आर रेडी टू गो। अब हम इमेज को ओपन करेंगे। इमेज को ओपन करने का तरीका आपको पता है, हम इमेज रीड करेंगे। जब रीड करेंगे हम उसको अपने आप डबल में चेंज कर देंगे, तो उसके लिए आई एम रीड फंक्शन लगाएंगे। किस इमेज को हम कर रहे हैं, greens.jpg। ये जितनी भी इमेजेस मैंने अभी तक आपको बताई वो सारी की सारी आपको मैटलैब में मिलेगी। ये मैंने अपनी तरफ से, इंटरनेट की तरफ से कहीं से लाया नहीं है, ये ऑलरेडी मुझे मैटलैब में मिली है, वहां से मैं इसे उठा रहा हूं। तो इमेज हम रीड करेंगे greens.jpg को और डबल में कन्वर्ट कर देंगे इसको, एक्स में अब हमारे पास इमेज आ गई है। तो शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि हम इसे शो करें, फिगर एक ओपन करते हैं और इसको आई एम शो कर देंगे। आई एम शो क्योंकि डबल में है, 255 से डिवाइड कर दिया। ये इसलिए किया है कि आगे हमें थोड़ी आसानी रहे, आगे जो हम कंपटीशन करेंगे उसके लिए हमने इसको डबल में चेंज किया है। तो रन कराएं इसे, ये देखिए आपके पास ये इमेज आ गई। ये इमेज पे काम होगा, अभी तक हमारा कोड इतना है। इमेज ओपन की, हमने ओपन किया, खोला और देख लिया। तो शुरुआत करते हैं, इसको थोड़ा सा कहीं पे सेव कर देते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम क्या करेंगे, एक ए वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम जीरोस, उसमें जीरोस 300 में पास है, क्योंकि ये हमारी जो इमेज है तो greens.jpg ये 300x500 है इमेज। आप देखिएगा जब हमने इसको खोला तो यहां पर ये 300x500, क्योंकि एक्स ओपन हो चुका है, 300x500 और तीन चैनल की इमेज है जो RGB इसमें आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने एक ए लिया है इमेज जो 300x500 की है। अब इस 300x500 का एक छोटा सा पार्ट हम क्या करेंगे कि वही इसको उठाएंगे, छोटा सा पार्ट, अब greens.jpg में वाटर मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस ए का एक छोटा सा पार्ट उठाया जाए, 250 100 पे लिखते हैं इसको, 100 पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये काम क्या कर रहा है। और 100 350, इन सब पे हम रख देंगे 1, बाकी जगह आ जाएगा जीरोस। ये जो इमेज मैंने बनाई है इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूं पहले कि हमने करने की क्या कोशिश की है। अब देखिएगा हमारे पास ये एक इमेज है आपकी greens.jpg, और ये जो इमेज है हमने 300x500 की बनाई इसी साइज की, और ये जो बीच का पोर्शन है हमने ये वाइट कर दिया। देखिए ये 1 डाला ना यहां पे, तो ये वाइट कर दिया हमने। तो इसी को हम वाटर मार्क करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि हम आगे इस फिगर 2 का उपयोग करेंगे, इसलिए हम इसको सेव कर देते हैं, इसको कहीं जाके सेव कर देते हैं। इस डेटा को सेव करने का तरीका बहुत आसान है, आप देखिएगा सेव करने का तरीका है आपके पास मैटलैब में। सेव कोई भी नाम रख दीजिए, एम रख देता हूं मैं। डैट मतलब डाटा फाइल है हमारी,
ए इस ए की बात हो रही है, इसका नाम ए है और आप यहां पर बताएंगे हम एस की फाइल की तरह हमने सेव कर दिया। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होते ही ये लाइन ये हमें सेव हो जाएगी एम डॉट डेट और हम m.dat को रिट्रीव करेंगे आगे चल के, इसे रिट्रीव करेंगे। देखिएगा अभी हमने सेव कर दिया, तो हम क्या करेंगे, x का मैंने आपको बताया था तीन चैनल है, तीनों चैनल एक एक में ले लेते हैं। x1 में ले लेते हैं आपका x का पहला चैनल 1, देखिए x का पहला चैनल हमने ले लिया है। फिर x2 में दूसरा चैनल आर जी यहां ले लेते हैं, जी आ जाएगा यहां पर, और तीसरे में आपका आ जाएगा बी आर जी बी। तो आर जी बी तीनों हमने x1 x2 x3 में ले लिया। अब इन तीनों पे x1 x2 बेसिकली हमने क्या किया, ग्रीन्स डॉट जेपीजी का आरजीबी निकाल लिया। अब आरजीबी में हम डीसीटी लगाएंगे, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम डिस्क्रीट कोसाइन टाइप ट्रांसफॉर्म लगाएंगे x1 में, इसको dx1 में सेव कर लेते हैं। अब क्योंकि हम dx1 कहीं आगे यूज करने वाले हैं इसको, इसलिए इसको किसी dx11 में सेव कर लेते हैं। ये लाइन देखिए इसकी कोई कैलकुलेशन वैल्यू नहीं है, ये देखिए ये लाइन इन सब लाइनों की कोई कैलकुलेशन वैल्यू नहीं होती क्योंकि हम आगे इन्हें यूज करेंगे इसलिए कर रहे हैं। असली आपको केवल यहां देखना है कि DC2 डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ये हमारा फंक्शन है, ये हम लगा रहे हैं आपके R चैनल पे और हमको DX1 मिला। इसी तरीके से DX2 ले लेंगे, कौन सा सेकंड चैनल पे लगा के DX2 हमारे पास बेसिकली DX1 DX2 आ गया। अब इसी तरीके से DC2 T2 लगा देंगे आपके ब्लू चैनल पे, तो ये हमारा काम हो गया, तीनों चैनल पे हमने लगा दिया। अब जब हमने ये काम कर दिया अब हम इसको दोबारा लोड करेंगे, तो लोड करने के लिए बहुत आसान हमारे पास वो है लोड एम डॉट डैट, लोड हो जाएगा। अब एक हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये वेरिएबल जो है ये डिसाइड करेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ये वेरिएबल डिसाइड करेगा कि आप कितने हद तक वाटर मार्किंग चाहते हैं, कितने हद तक। हम एच जी ले लेते हैं, इसको 10 अभी मार्क कर देते हैं। और अब हमारे पास साइज जो है एम का, जो एम डॉट डैट है ना, इसका साइज लेके आर एम और एक रो और कॉलम इसके हमें पता नहीं है क्योंकि हमने अभी लोड किया है। वैसे हमें यहां पता है, हमें इसकी रोड पता है, लेकिन क्योंकि हमने अभी लोड किया हमें इसका पता नहीं है। हम एक एम का रो और एम का कॉलम, इसमें हम ये आर एम और सी एम में ले लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, जो साइज आएगा एम का ये हम मान के चल रहे हैं, हमें नहीं पता है यहां पर, तो हमें आइडिया था ये मान के चल रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को तो हमको सब चीजें बतानी पड़ेंगी। हमने ये काम कर दिया, अब हमारे पास आर एम सी एम आ गया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, dx1 में dx1 जो हमारे पास आया था इसमें इस पर्टिकुलर नंबर के तहत ये m को मैं फिट करूंगा। उसके लिए जो लाइन लिखने वाला हूं वो देखिएगा, आर जी बी तीनों अलग अलग चैनल में हम ये फिटिंग करेंगे, मतलब वाटर मार्किंग करेंगे। dx1 देखा हमने, यहां dx1 निकाला था, इसमें आर एम सी एम हम इस साइज पे, इस साइज पे हम जी फैक्टर पे एम को इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे चैनल में भी होगा, जी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, देखिएगा आप अभी थोड़ी देर में। तो हमने तीनों में फिट कर दिया। अब हमने किया क्या, इमेज ली, इमेज का डीसी टू निकाला, एक वाटरमार्किंग इमेज बनाई और वाटरमार्किंग को इसको फिट कर दिया। शो करके देख लेते हैं डीएक्स वन में क्या आया, डीएक्स टू में क्या आया और डीएक्स थ्री में क्या आया, ये तीनों को हम शो कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये जो रिजल्ट आया इसमें देख लेते हैं क्या आता, ये ओरिजिनल इमेज है, आपको याद होगा ये ओरिजिनल इमेज है, ये आपकी एक इमेज हमने वाटरमार्किंग की बनाई थी। अब आइए इस पे तीसरे पे, देखिए ये पहला चैनल, ये दूसरा चैनल और ये तीसरा चैनल डीसी टू लगाने के बाद। और अब देखिए इसके अंदर हम ये एम्बेड कर दिया है ना, ये एम्बेड कर दिया है। अब हम इनका IDCT2 निकालेंगे, यानी कि इनवर्स डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, DCT कर दिया था दोबारा भी तो लाना है, तो IDCT2 कर देंगे सिंपल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि हम केवल एक DX1 में IDCT2 करके Y1 में रख लेते हैं। इसी तरीके से Y2 Y3 में अलग अलग तीनों चैनल के हम Y1 Y2 Y3 में रख लेते हैं, ये तीनों आ गए। अब क्या है, क्योंकि हमने जो काम किया था उसको हमें रिवर्ट भी करना पड़ेगा, अब ये Y1 Y2 Y3 जो आएगा उसको RGB चैनल में देना पड़ेगा, यानी कि देखिएगा आप
आपको याद होगा कि मैंने यहां पर वाई सेव कर रखा था, इसी वाई को अब मैं उपयोग कर रहा हूं। जो Y1 चैनल लिखा वो R बैंड में, इसी तरीके से G, B तीनों बैंड में हम ये डाल दें। आपको ध्यान दीजिएगा कि ये Y Y Y ये हमने ऑलरेडी सेव कर रखा था, तो हमारा अब Y में X और Y बिल्कुल सेम है। तो हमने चेंज किया, जो भी चेंज किया वो सब अब हम एक्चुअल इमेज में डाल दिए, बेसिकली X में ही डाल रहे हैं, इस तरीके से मानिए आप। अब इनको शो करते हैं Y1 Y2 में Y3 में क्या आया। अभी आपने देख लिया था कि डी यहां पर क्या आया था, अब हम देखते हैं कि जब हम Y1, Y2, Y3 में क्या आ रहा है। तो इसको रन कराते हैं, ये इमेज हो गई, ये तीनों। अब देखिए ये एक दो और ये तीन, ये तीनों है। अब देखिए ये एक्चुअल इमेज है, इसमें वाटर मार्किंग हमने की है। अब इन तीनों को कंबाइन भी करना पड़ेगा हमें। फाइनल इमेज नहीं दिखाई अभी हमने, Y1, Y2, Y3 दिखाया आपको, अब फाइनल इमेज दिखाएंगे। फाइनल इमेज देखिए Y/255 करके, ये फाइनल इमेज हो गई आपकी। बाकी सारी भी आएंगे लेकिन हम लास्ट इमेज को देखेंगे। ये देखिए साहब, ये आपकी इमेज है लेकिन इसके अंदर आपका वाटर मार्किंग भी है। इसके अंदर जो सेकंड इमेज थी जो हमने बनाई थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो इसमें निहित है, दर्ज है। अब डिफरेंस देखना चाहेंगे तो वो भी देख लीजिए। ये आपका डिफरेंस हो गया, और फिर इसको रन कराता हूं मैं, तो आपके पास फाइनल इमेज आ जाएगी और आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। आप देखिए ये दोनों में ही डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमने वाटर मार्किंग की। अब मैं आपको एक कोड और लिख देता हूं डी वाटर मार्किंग का। डी वाटर मार्किंग में केवल जो हमने किया है इसके उल्टा चलेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये इन सबके उल्टा चलेंगे, जहां से शुरुआत की थी वहां से बैक में। यानी कि हम सबसे पहले आपका इनवर्स DCT निकालेंगे। सबसे पहले आपको DCT निकालेंगे, पहले तो मैं इसको करते हूँ Z को एक और में सेव कर देता हूँ Z को। देखिए ये क्योंकि हम डी वाटर मार्किंग शुरू कर चुके हैं, अब जो भी साइज आएगा उसको रख लें हमारे पास जो Z का है। अब जो Y था जो हमने पहले सेव कर रखा था उसके हम DCT2 निकालेंगे, अगेन डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म DY1 DY2 DY3 में लिखेंगे, और फिर से इसको किसी में सेव कर लेते हैं Y को Z में। ये आप जब खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और यहां पर अब जो यहां पर प्लस प्लस करके किया था ना, यहां पर माइनस माइनस कर देंगे, मतलब हम बेसिकली जो M वाला पार्ट है वो इससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम हटाएंगे, ये हमने हटा दिया। आप फिर जैसे इन्वर्स करना जरूरी है क्योंकि DCT2 किया है तो इन्वर्स भी करेंगे, वो भी हम कर देते हैं DCT2। सब चैनल जो तीनों चैनल आएंगे उनको हमको एक एक करके असाइन करना पड़ेगा। हम वाई वाई ले लेते हैं कुछ, इसमें हम असाइन कर देते हैं इसे, यहां पर असाइनमेंट हो गया। और फाइनली हम इमेज शो कर देंगे और उसका डिफरेंस शो कर देंगे। ये तो हमारे यहाँ डी वाटर मार्किंग भी हो गई। अब हम ये इमेज एक एक करके आपको शो करेंगे और आपको डी वाटर मार्क इमेज भी दिखाई देगी। इसको चलाया जाए, सारी इमेजेस आती हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो फाइनल इमेज आएगी उस पर हम बात करेंगे। ये देखिए 11, और ये डिफरेंस आपको देख रहे हैं आप, डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें वैल्यू आप थोड़ी सी बढ़ा देंगे। प्रोग्राम में जाएंगे और देखिए मैं अभी एक साथ 1000 दे सकता था लेकिन मैं 100 दूंगा अभी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जी का कितना बड़ा रोल होता है। देखिए ज्यादा कोई कंसिडरेबल डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद फाइनली हम जो अपने इमेज है इस वाले में आपको 1000 डाल के दिखाएंगे, और 1000 में देखिएगा आपको उस इमेज में आपको एक्चुअल वाटर मार्किंग दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, देखिए साहब ये इमेज जो है इसमें आपको वाटर मार्किंग दिखाई देनी शुरू हो गई। और आप चेंज करेंगे तो इस तरीके से आप और वाटर मार्किंग का लेवल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये हमने वाटर मार्किंग की, उसके बाद डी वाटर मार्किंग की, आपने DCT यूज किया, इनवर्ट DCT यूज किया, हर एक चैनल पे आपने काम किया। यहां पर आपको डिफरेंस भी बताया गया है, इधर भी हमने आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।